हम क्रिकेट मैच में बहुत बार ऐसे देखते हैं कि कोई बैट्समैन इशारा कर रहा है बाउंड्री के बाहर कुछ करने के लिए, राइट हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से। वो क्या करते हैं, असल में वो करते हैं बाउंड्री के पार जो एक स्क्रीन रहता है उसे कहते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ मूव करवाओ। तो वो है क्या, उसे साइड स्क्रीन कहा जाता है। उसे किस लिए यूज किया जाता है, क्या आप जानते हैं 3D साइड स्क्रीन का उपयोग कब से शुरू हुआ था? बताऊंगा मैं सब कुछ दोस्तों, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों ये जो स्क्रीन होता है इसे साइड स्क्रीन कहा जाता है। साइड स्क्रीन किस लिए यूज होता है, साइड स्क्रीन असल में बॉल के कॉन्ट्रास्ट पाने के लिए यूज किया जाता है। ये जो बॉल का कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या है, असल में कोई बैट्समैन को अगर बॉलर बॉल करते हैं तो बॉल ठीक तरीके से बैट्समैन की नज़र में आ रहा है या नहीं वो सुनिश्चित करने के लिए ये साइड स्क्रीन रखा जाता है। यानी मान लीजिए पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एकदम बैट्समैन के सामने और एक टेस्ट मैच हो रहा है। टेस्ट मैच में तो रेड कलर का बॉल यूज होता है, तो वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई लोग रेड कलर का शर्ट पहने हुए हैं, तो अगर बॉल फेंका जाता है तो मान लीजिए वो बॉल का कलर वो पीछे रेड कलर का कलर ऐसे घुल मिल जाएगा तो बैट्समैन की साइटिंग में थोड़ा इशू आ जाएगा। तो इसे दूर करने के लिए पीछे एक जायंट स्क्रीन लगाया जाता है जिसे कि साइड स्क्रीन कहा जाता है। ये स्क्रीन नॉर्मली 4.5 मीटर x 4.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए और स्टेडियम या फिर ग्राउंड के हिसाब से ये बढ़ाया जा सकता है। तो जब टेस्ट क्रिकेट मैच होता है यानी जब रेड बॉल का उपयोग करके कोई मैच किया जाता है तो उस मैच में बॉल का कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए व्हाइट कलर की साइड स्क्रीन यूज किया जाता है। और अगर डिनर मैच हो रहा है वहां पर व्हाइट कलर का बॉल यूज होता है तो उसे ठीक तरह से देखने के लिए उसके कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए ब्लैक कलर का स्क्रीन उपयोग होता है। अभी ये जो पिंक कलर का बॉल आया है उसके लिए भी ब्लैक कलर के साइड स्क्रीन यूज किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि बैट्समैन जिस ओर से बैटिंग करते हैं उसके पीछे यानी विकेट कीपर के पीछे जो साइड स्क्रीन रहता है वहां पर एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ है, 1993 में जब SS सीरीज हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में ये साइड स्क्रीन पहली बार के लिए लगाया गया था और इसे 3D साइड स्क्रीन कहा जाता है। जिस ओर से बॉलिंग होता है उस ओर के साइड स्क्रीन टेस्ट मैच में व्हाइट या फिर ODI में ब्लैक रखा जाता है और बैट्समैन के पीछे यानी विकेट कीपर के पीछे जो साइड स्क्रीन होता है उसको कमर्शियली यूटिलाइज करने के लिए वहां पर एड दिखाया जाता है जो कि अब कॉमन प्रैक्टिस बन गया है। तो दोस्तों क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।